झांसी के मऊरानीपुर में फर्जी आरटीओ की टीम को मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि उक्त लोग फर्जी आरटीओ बनकर बसों से उगाही कर रहे थे। बस मालिक को सूचना मिलने के बाद मऊरानीपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। झांसी जनपद के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार की शाम पुलिस ने स्विफ्ट कार सहित सभी को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि एक स्विफ्ट कार जिस पर आरटीओ विशेष जांच लिखकर कार में सवार तीन लोग झांसी से मऊरानीपुर के बीच गुजरने वाली बसों से रास्ते में रोककर अवैध उगाही कर रहे थे, जहां इसकी सूचना बस के कर्मचारियों ने बस मालिक को दी, जिसकी सूचना मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी को दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मऊरानीपुर के रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज के पास से स्विफ्ट कार में सवार फर्जी आरटीओ की टीम में तीन लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई, जहां उक्त लोगों से पूछताछ की जा रही है। क्या घटना हुई है आज? घटना जी हुई है कि ये फर्जी आरटीओ बन के आए। कौन आया? दो तीन लोग थे, तो बस रोक के पैसा उगाने लगे। बोले हम आरटीओ से विशेष से हैं, तो स्टाफ ने लगाया अपने रवि यादव को फ़ोन कि वो चेकिंग वाले हैं आईटीओ साहब, तो पैसा मांग रहे हैं। तो उन्होंने जानकारी करके मुझको फ़ोन लगाया कि आप जाके शिकायत करके, और आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ, मैंने उन्होंने फ़ोन लगाया था। अच्छा, कितने पैसे ले रहे थे? कितना कितना पैसा दिया है? जो जितना दे दे। अच्छा, 1000 2000 जो जितना बसों से उगा रहे थे। हाँ, रास्ते से रास्ते से उगाते हुए आ रहे थे जी लोग। झांसी से मऊरानीपुर? झांसी से मऊरानीपुर की वो आ रहे थे। आज थाना मऊरानीपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हाईवे पर फर्जी आरटीओ बनकर बसों से अवैध वसूली कर रहे हैं। उक्त जानकारी को प्राप्त होने पर थाने द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को थाने पर पूछताछ हेतु लाया गया है। पूछताछ के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। कितने लोग हैं सर टोटल? अभी पूछताछ हेतु जो संदिग्ध लगे उनमें कुल टोटल संख्या 3 लोग हैं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।